तकन ये 15-20 साल से ये रुझान कम होता जा रहा है इसका, इसलिए कि यहाँ पर जो है इसके इसके लिए कोई ऐसे बंदे अवेलेबल नहीं है कि जो इस काम को कर सकें, और दिन पर दिन ये इस फाउंडर्स वगैरह नहीं आने की वजह से, इसकी वजह से ये दिन पर दिन जो है ना काम ख़त्म होता चला जा रहा है। इन चीज़ों को मेंटेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर लोग ही विज़िट ना करें। काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेमिक हैं, उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ये एक प्रिजर्वेटिव आर्ट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको पाकिस्तान में प्रमोशन नहीं मिल रही, इस वजह से ये ख़त्म हो रहा है। मेरा शौक ये टैक्सी ड्राइविस्ट, और ये अच्छी चीज़ है, इसको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को जो कि करते ही नहीं हैं। यहाँ पर समझ लें आप, अगर कराची में कहा जाए तो बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पे गिन लें तो आपको पता लग जाएगा इतने लोग हैं इसके काम करने वाले, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि इसकी अवेयरनेस नहीं है काम के लोगों को कि ये भी मतलब एक काम है, एक आर्ट है टैक्सी ड्राइविस्ट। टैक्सोडर्मी इज़ अ आर्ट, ठीक है, कि किस तरह से स्टफिंग की जाती है, किस तरह से एनिमल्स को स्टफ किया जाता है, कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। जब स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ें होंगी और इंस्ट्रक्शंस इनको जो मिलेंगे, इंस्ट्रक्टर्स जो होंगे वो हम बाहर से हायर करेंगे, अपने ही लोग जो टैक्सोडर्मिस्ट है, ताकि वो उनको और साइंटिफिक बेसिस पर उनको प्रमोट करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये इंक्रीज होगी। ये बताओ।